हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। तो पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले मैंने बोला, जैसे एक मिनट के लिए मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, एक इक्वेशन मेरी ये x और y वेरिएबल में, और दूसरी मैंने लेट से लिखा 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 1। लेट से दीज आर द टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जैसे अब 9 10 तक हम क्या पढ़ते हैं कि अगर हमें दो वेरिएबल्स है हमारे पास, तो अगर मुझे उनकी वैल्यूज निकालनी है, इन जनरल आई रिक्वायर टू इक्वेशंस। मैंने क्या बोला, टू सॉल्व फॉर टू वेरिएबल्स, इन जनरल वी रिक्वायर टू इक्वेशंस। इन जनरल मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, स्पेशल केस ऐसा हो सकता है कि एक ही इक्वेशन हो, वेरिएबल्स दो हो, तो वो स्पेशल केस वगैरह में आएगा। बट मैंने बोला इन जनरल, जैसे मैंने बोला ये x और y में लीनियर इक्वेशन है, तो इन मैंने बोला x और y निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, दो रिलेशन चाहिए x और y में। ठीक है ना, दो इक्वेशन चाहिए x और y में, सो दैट मैं कैसे भी करके, जैसे अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या करूंगा, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे y आ जाएगा, और फिर जो y की वैल्यू आई वो इसमें उठा के रख दूंगा तो x आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट सॉल्विंग इक्वेशंस। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन मतलब क्या है कि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो जैसे मान लो इस प्रेजेंट सिचुएशन को समझे हम, तो मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर में y को एलिमिनेट करो। तो देखो, अगर मैंने बोला सिंपली, अगर मैंने बोला कि ये इक्वेशन है तुम्हारी, एक इक्वेशन अगर दी होती मान लो तुम्हें, ठीक है ना, सुनना पहले क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंने बोला अगर एक इक्वेशन दी होती तो मैं वाई को एलिमिनेट नहीं कर सकता, मुझे क्या चाहिए, अगर मैंने बोला एक वेरिएबल मुझे एलिमिनेट करना है तो मुझे चाहिए दो इक्वेशंस। तो क्या करूंगा, मैं बेसिकली वाई एलिमिनेट करने के लिए इधर से वाई की वैल्यू उठा के इसमें रख दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, एलिमिनेशन में हमें जैसे एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है ना, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए पड़ेगी, एक ज्यादा चाहिए पड़ेगी। ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए तो मैंने क्या बोला, जैसे दो वेरिएबल्स हैं तो इन जनरल वी रिक्वायर टू इक्वेशंस, बट मैंने बोला एलिमिनेट करने के लिए एक इक्वेशन ज्यादा चाहिए पड़ेगी। और ज्यादा क्लियरिटी कैसे आएगी, जब हम एग्जांपल्स करेंगे, एकदम सिंपल टॉपिक है, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा अभी मैंने जैसे इधर वर्ड यूज किया था इन जनरल, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। इन जनरल मैंने क्यों यूज किया, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसमें इक्वेशन तो एक ही होती है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं, फिर भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दीज आर स्पेशल केसेस, मैंने बोला ऐसे लिखा है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो कहने को तो क्या, ये एक इक्वेशन है, वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है x y z, बट मैं इसको इस कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूं। ये तो मैंने बोला था, ये जो इन जनरल स्टेटमेंट है कि दो वेरिएबल्स को निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, बट इधर देखो एक ही इक्वेशन से काम चल रहा है, तीनों के आंसर आ जाएगा। कैसे, अब इसमें थोड़ा बाउंड्री कंडीशंस लग रही है, दिस इज अ स्पेशल केस, सम जीरो है और इधर क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री क्वांटिटीज, एंड मैंने बोला कि तीनों का स्क्वायर का सम जीरो है, इसका मतलब कब हो सकता है, दिस इज ओनली पॉसिबल इंडिविजुअली, ईच ब्रैकेट हैज टू बी जीरो, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, बिकॉज अगर एक भी नॉन जीरो हो गया तो मेरे को क्या मिलेगा, नॉन नेगेटिव नंबर मिल जाएगा LHS में, बट RHS इज जीरो, तो मैंने बोला RHS जीरो है, इसीलिए इंडिविजुअल तीनों ब्रैकेट्स को जीरो होना पड़ेगा। तो इधर से मेरा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 5। तो कहने का मतलब मैंने क्या बताया था इधर, कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो मुझे इन जनरल दो इक्वेशन चाहिए पड़ती है। जैसे इधर मेरा एक से काम नहीं चल पाएगा, मैंने बोला सॉल्व दिस इक्वेशन, तो निकाल ही नहीं पाएंगे ना, हमें एक और इक्वेशन चाहिए x और y में, बट इधर मेरे को उल्टा तीन तीन वेरिएबल थे बट एक ही इक्वेशन से काम चल गया। ठीक है, समझ में आया, ये तो हम 9 10th वाला चुची बताया मैंने कि दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है, तो मुझे दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, एलिमिनेशन में क्या बोल रहा हूं मैं, कि एलिमिनेट करने के लिए, मान लो मुझे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है ना, तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए, एक ज्यादा। क्यों, जैसे मैंने बोला इधर से y एलिमिनेट करो, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू 5 माइनस x, अब मैं इस y को कहीं ना कहीं तो रखूंगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए कि that should be free from y, उसमें y आया ना, मतलब y eliminate हो जाए, तो इसका मतलब eliminate करने के लिए मुझे एक equation ज़्यादा चाहिए पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम इसको point को लिख लेते हैं। ठीक है, चलो तो video pause करो, अगर तुम्हें ये लिखना है तो you can copy it। चलो, अब मैंने बोला देखो elimination में पहला step सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं, to eliminate n variables we require n plus 1 equations, हमें n वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने के लिए
एक इक्वेशन ज्यादा चाहिए पड़ेगी। बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे मैंने बोला कि लेट्स से एक्स वाई जेड में तीन इक्वेशन है, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू थ्री, फिर मैंने बोला टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस लेट्स से जेड लिख लिया इसको इज इक्वल टू लेट्स से फाइव, और एक और इक्वेशन लिख ली मैंने फोर एक्स माइनस नाइन वाई प्लस टेन जेड इक्वल्स टू सिक्स। अब मैंने जैसे देखो ये तीन इक्वेशन दिए, तो अब मैंने बोला कि सॉल्व करने के लिए तो ठीक है तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सफिशिएंट, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, बट मैंने बोला इन तीन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है मुझे, एलिमिनेट करना है मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एक्स वाई जेड। तो क्या होना चाहिए, एक और रिलेशन होना चाहिए मेरे पास, एक और रिलेशन होना चाहिए। क्या करूंगा मैं, जैसे एक और रिलेशन मेरे को ऐसे मिल गया लेट्स से 5x माइनस 7 7x प्लस 3y माइनस 10z इज इक्वल टू 5, कुछ तो है ऐसा। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि ये सारी x y z की वैल्यू आई विल कीप इट हियर। जैसे मान लो इधर मैं कुछ और भी लिख देता हूं, पैरामीटर्स डाल देता हूं, जैसे मैंने लिखा इधर b इधर c लिख दिया। अब मैंने क्या बोला एलिमिनेट x y z, तो क्या करेंगे हम बेसिकली इन तीनों इक्वेशन से, सुनना ध्यान से, इन तीनों इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, और वो वैल्यू मैं उठा के इधर रख दूंगा, तो इधर जो मेरा रिजल्ट आएगा दैट विल बी फ्री फ्रॉम एक्स वाई जेड, मतलब तीन वेरिएबल हमारे एलिमिनेट हो गए। जरूरत कितनी पड़ी इक्वेशन की, चार, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे जितने वेरिएबल्स हमको एलिमिनेट करने हैं उससे एक ज्यादा इक्वेशन चाहिए पड़ेगी, ठीक है। सॉल्व करने के लिए तो क्या लिखा था मैंने, वो भी लिख लेना था, टू सॉल्व एन इक्वेशंस वी रिक्वायर, सॉरी टू सॉल्व n variables we require n equations, but eliminate करने के लिए एक equation ज्यादा, ठीक है। तो इतना ही है theory के मामले में, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। अब हम questions पे आते हैं directly। तो पहला question लिखो तुम लोग, पहले इसको लिख लेना, ये वाला जो मैंने लिखा, ठीक है ना। Eliminate करने के लिए हमें एक equation ज्यादा चाहिए, तो let's start with question number one। मैंने बोला example one, a sec theta is equal to one minus b tan theta, और a square sec square theta is equal to 5 plus b square tan square theta, और फिर मैंने बोला eliminate theta, sorry, हाँ चलो eliminate theta, eliminate theta। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, क्या बोला था कि हमें a, अब जैसे इधर एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो हमें क्या है, दो इक्वेशन है, मतलब काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगेगी, कैसे करेंगे वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, बट हाँ इतना पक्का है कि एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, तो दो दोस्त ने दे रखी है। अच्छा, अब कहने का मतलब जो आंसर आएगा वो मेरा कैसे आएगा, मैंने बोला एलिमिनेट थीटा, मतलब हमें जो फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलने वाला है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सम कांस्टेंट, दैट विल बी फ्री फ्रॉम थीटा, क्योंकि थीटा को तो एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो हमारे पास दो इक्वेशन है। तो अब क्या है, इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, मतलब कहने का मतलब दो इक्वेशन है वो डिपेंड करता है इक्वेशन क्या है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग कंसेप्ट लगेगा, सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होगा, वो डिपेंड करता है मतलब हम कितना स्ट्रॉन्ग है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने तुम्हें ही बोला, तुम लोग क्या करो, एक काम करो, वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व दिस, दिस इज माई इक्वेशन वन एंड दिस इज माई इक्वेशन टू। मैंने बोला एलिमिनेट थीटा, अब मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है। तो देखो क्या करें अब हम एलिमिनेट थीटा करने के लिए, देखो इधर दिख रहा है ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, इधर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, तो क्या करूं मैं, पहली इक्वेशन को मैंने स्क्वायर करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, देखते क्या आता है, ठीक है ना। काफी सिंप्लीफाइड चीज दिख रही है ये, तो हमने मन में कैलकुलेट किया, अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं बुक पे। तो मैंने बोला पहले मैंने लिखा स्क्वायरिंग इक्वेशन वन ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर किया स्क्वायरिंग इक्वेशन वन, तो इधर क्या आ जाएगा एलएचएस में इस वाली इक्वेशन को, तो ए स्क्वायर sec square theta is equal to 1 plus b square tan square theta, a plus a square plus b square minus 2ab, तो minus 2b tan theta। Let's say मैं इसको equation number 3 बोल रहा हूं। अब क्या करूं, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था हमने स्क्वायर क्यों किया, जिससे ये चीज जनरेट हो जाए, वो चीज जनरेट हो गई, अब क्या करूं, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 2 से 3 या 3 से 2 1 एंड द सेम थिंग। मैंने क्या किया, लेट्स से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 किया, तो देखो इधर से a square sec square theta minus a square sec square theta LHS में 0 बना is equal to, फिर मैंने लिखा 5 minus 1 4 plus b square tan square theta minus b square tan square theta which is 0, तो 0, फिर b sorry इधर तो कुछ नहीं बचा, 0 minus of minus 2b sin theta, तो ये का plus 2b tan theta, sorry। तो अभी जो मेरा relation आया, is it free from theta, मैंने बोला is it free from theta, नहीं अभी तो नहीं है,
तो क्या करें हम, अब देखना ट्रिकी पार्ट। अब क्या किया, पहले इसको 4 को इधर लेके गए, माइनस 4 इज इक्वल टू 2b tan थीटा। इससे क्या हुआ, मेरा tan थीटा की वैल्यू आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 by b। अब क्या करूं मैं, अब क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो इसकी वैल्यू, तो तुम्हारा जो थीटा है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम पहले वाले में पुट करें या सेकंड वाले में, तो हम कहां प्रेफर करेंगे, सेकंड वाला। द रीजन इज देखो, इधर तो tan थीटा तुम रख दोगे माइनस 2 by b, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत यहां होगी प्लस माइनस आएगा, वो ट्राइंगल वगैरह से हमें sec थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। बट इधर हमारा डायरेक्टली काम चल जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, देख लिखना, टू एलिमिनेट थीटा मैं क्या कर रहा हूं, इस tan थीटा को मैं सेकंड इक्वेशन में डाल रहा हूं, तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन वन, सॉरी इक्वेशन टू, वन में भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम्हें उधर स्क्वायर करना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, वन में अगर मान लो तुमने ठान लिया नहीं वन से ही करना है मुझे, तो स्क्वायर करके करो, इसको स्क्वायर कर दो, फिर tan थीटा की वैल्यू डालो, ठीक है ना। चलो अब मैंने बोला, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो, मैं इतना पार्ट रब कर रहा हूं। अब मैंने बोला इस वैल्यू को tan थीटा को मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये तो tan थीटा है, बट मुझे इधर sec स्क्वायर थीटा लिखा है, तो पहले तो मैंने इसको tan थीटा के टर्म्स में लिखा, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू उठा के डाल देंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज नथिंग फ्री, दैट इज फ्री फ्रॉम थीटा, और हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, हमें थीटा ही तो एलिमिनेट करना था, तो इधर रख देते हैं, तो फाइनली हमें मिला a स्क्वायर इनटू 1 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा 4 बाय बी स्क्वायर। तो दिस इज माई आंसर। अब एलसीएम लेके लिखना है, कैसे भी लिखना है, यहां तक भी लिखोगे तो चलेगा, दिस इज बेसिकली व्हाट, फ्री फ्रॉम थीटा, फ्री फ्रॉम थीटा, वही तो मुझे करना था, एलिमिनेट करना था थीटा को, मुझे एक रिलेशन चाहिए था, ठीक है। चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन और करेंगे ना, फिर धीरे धीरे फील आ जाएंगे, फिर अपने आप करते बनेगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में लगेगा थोड़ा कैसे कर रहे हैं, बट मैंने बोला ना एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन हो जाने दो, उसके बाद अपने आप फील आने लगेगी, और फील बहुत जरूरी है सब्जेक्ट में, ठीक है ना, बहुत जरूरी है फील लाना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ax अपॉन cos थीटा प्लस by अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसने दे दिया कि थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखते हैं इसका इंफॉर्मेशन कैसे यूज होता है आगे चल के, और हमें एक और इक्वेशन दे रखी है ax। अच्छा मैंने तुम्हें एक मिनट के लिए आगे नहीं लिखा, मैंने बोला एलिमिनेट थीटा, तो एक इक्वेशन से हो जाएगा क्या काम, नहीं ना, एक इक्वेशन से कैसे होगा, मैंने बोला जितनी जितने वेरिएबल्स एलिमिनेट करने, जैसे इधर थीटा एलिमिनेट करना है मुझे, तो आई रिक्वायर टू इक्वेशन इन थीटा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या दी है, ax साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। देखो अब कैसे बोल सकता है, एक तो ऐसे बोलेगा क्वेश्चन की एलिमिनेट थीटा, थीटा को एलिमिनेट करो और रिजल्ट लिखो, या फिर ऐसे बोल सकता है प्रूफ दैट के फॉर्म में देगा, तो इधर हमें प्रूफ दैट के फॉर्म में लिख लेते हैं। उसने लिखा प्रूफ दैट ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3, ठीक है। अब सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, देखो प्रूफ दैट, जैसे मान लो मुझे पता ही नहीं, कैसे पता चलेगा कि एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, सबसे पहली बात, जब उसने प्रूफ दैट लिखा, तो प्रूफ दैट में देखो जो प्रूफ दैट है, क्या उसमें कहीं थीटा वीटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है, थीटा को एलिमिनेट किया है, मतलब एलिमिनेशन मेथड है, समझ में आया। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि एलिमिनेशन का हिंट कैसे लगेगा क्वेश्चन में, जो जो प्रूफ करना है ना उसके अंदर एक वेरिएबल कम होगा जिसको एलिमिनेट किया है, दिख रहा है यहां, तो मतलब थीटा को एलिमिनेट करना है, प्रूफ दैट ये लिखा है, इसका मतलब हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, तो मुझको दो इक्वेशन दिए थीटा में, विच इज सफिशियंट टू एलिमिनेट थीटा। अब कैसे करना है, कैसे करेंगे, वो तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करें, देखो क्या किया, सबसे पहले ये इक्वल मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, हम लोग अगले स्टेप में लिखना सॉल्यूशन, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, मैं इस टर्म को उधर लेके गया, तो दिस इज इक्वल टू जीरो हो गया, यहां से हटाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, चलो इस साइन स्क्वायर को इसके साथ लेके गया, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा अपॉन एक कॉस स्क्वायर, इधर ये कॉस लेके आया, तो ये क्या हो गया कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू बी वाई अपॉन ये एक्स को इसके नीचे लेके आ गया, तो यहां से मुझे क्या मिला, दिस इंप्लाइज टेन क्यूब थीटा
इज इक्वल टू बी वाई अपॉन बी बाय अपॉन ax, तो यहां से मेरा tan थीटा कितना आ गया, क्यूब रूट होता है तो प्लस माइनस नहीं आता है, स्क्वायर रूट इवन रूट होता है तो प्लस माइनस लिखते हैं, तो ये तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा इट इज बी वाई अपॉन ax की पावर 1/3, या फिर अलग अलग करके लिख लो न्यूमरेटर टर्म, मैंने लिखा बी वाई की पावर 1/3 और अपॉन ax की पावर 1/3, यहां तक मेरा कुछ तो आया। अब जैसे हम लोगों ने निकाला था उधर भी हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली थी, फिर हमने उसको जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें रख दी थी, तो थीटा एलिमिनेट हो गया था, बट उधर क्या था हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें tan थीटा ही था, sec स्क्वायर थीटा था, तो हमने उसको tan में कन्वर्ट कर लिया था। अब इधर क्या करें हम, इधर करने के लिए क्या किया, अब मेरे पास देखो एक बार tan थीटा आ गया तो ट्राइंगल से, वो ट्राइंगल जो हम 9/10 में बनाते हैं उससे मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकता हूं, कैसे, मैंने बोला ये मेरा tan, ये थीटा है ठीक है, tan थीटा क्या है by की पावर 1/3, तो ये हो गया by की पावर 1/3 और ये हो गया ax की पावर 1/3 विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हो गया ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3। अब देखो तुम्हें फील भी, अपने को प्रूफ देखो तो उसे फील भी आ रही है, हाँ इस टाइप का कुछ तो दे रखा है, तो हम करेक्ट जा रहे हैं, दिस द इंडिकेशन कि हम करेक्ट जा रहे हैं। चलो अब क्या करें, अब इधर साइन थीटा और कॉस थीटा मैंने इस ट्राइंगल के हिसाब से उठा के रख दिए, बस एक लाइन में आंसर खत्म आ जाएगा, क्या होगा लिखा देखो ए एक्स अपॉन कॉस थीटा लिखा है इस ट्राइंगल के हिसाब से, कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा विल बी बेस दैट इज ए एक्स की पावर 1/3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो नीचे आएगा उसको ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, ये तो अभी मैंने क्या लिखा ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, अब ये बी वाई अपॉन साइन थीटा, तो पहले तो बी वाई अपॉन साइन थीटा, अगेन इस ट्राइंगल पे जाते हैं तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बी वाई की पावर 1/3 बी वाई की पावर 1/3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगेन वो नीचे होके ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 एंड दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो एलिमिनेट उसने अगर बोला होता एलिमिनेट थीटा तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब ये जो इक्वेशन मेरे को मिली अभी दैट इज फ्री फ्रॉम थीटा, बट उसने बोला प्रूव दैट दिस, तो हम ठीक है इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या बोला मैंने, अगर वो प्रूव दैट ना लिख के केवल इतना बोलता कि एलिमिनेट थीटा तो मेरा दिस इज द आंसर, उसके बाद कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट उसने बोल दिया कि प्रूव दैट दिस, तो हम इसको उस फॉर्म में लेके आ जाते हैं, एक ही स्टेप का आंसर है वैसे तो, तो वो लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको रब कर रहा हूं, तो स्पेस क्रिएट कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो इसको कॉपी करो, अब देखना अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, करेक्ट है करेक्ट है। अब देखो ये देखो ये क्या लिखा है ax और नीचे लिखा है ax की पावर 1/3, तो इसको कैंसिल करके मैं इधर लिख सकता हूं ax की पावर 2/3, क्लियर है, अच्छा एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है, अब देखना फिर मैंने लिखा इधर ये वाला पावर कैंसिल तो ये हो गया 2/3, ठीक है अच्छा, अब मैंने ये वाला पार्ट कॉमन है, एक मिनट कॉमन ले लिया, ये अंडर रूट ऑफ ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी एक्स की पावर 2/3, ठीक है ये कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बचा ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारा आ गया है, ठीक है इसकी दिक्कत है, एक मिनट हम क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, इसमें क्या दे रखा था हमारा ए एक्स साइन थीटा, तो कुछ तो अपना गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है एक बार वेरीफाई करते हैं जस्ट अ सेकेंड, ए एक्स की पावर 2/3 गड़बड़ कहां हुआ है, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये करेक्ट दिया है, तो हमारा गड़बड़ कहां हुआ है वो देखना है हमें, तो देखो इधर ए एक्स की पावर 2/3 है, इधर बी वाई की पावर 2/3 है, करेक्ट है यहां तक करेक्ट है, तो हमारा इतना पार्ट तो आ गया है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, और ये मेरा क्या दे रखा था, दिस इज गिवन एज
एक्स अपन कॉस थीटा। एक बार और देखते हैं, एक बार मैं इस स्टेप पे दोबारा आ रहा हूं, ठीक है, जस्ट लेट मी कम डू इट अगेन, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, देख लेते हैं एक बार अपन, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ए एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज बी वाई कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये था हमारा। तो इधर से हमने पहले टेन थीटा की वैल्यू निकाली, तो टेन थीटा हमारा क्या आ गया था, ये इधर चला गया बी वाई की पावर, सॉरी बी वाई की पावर 1/3, और ये आ गया ए एक्स की पावर 1/3। तो फिर हमने यहां से ट्राइंगल लॉ से टेन थीटा लिखा, तो ये थीटा है हमारा, दिस इज बी वाई की पावर 1/3, दिस इज ए एक्स की पावर 2/3, फिर ये सॉरी 1/3, तो ये हो गया मेरा दिस स्क्वायर, तो बी वाई की पावर 1/3 प्लस ए एक्स की पावर 1/3। फिर यहां से मैंने पहली इक्वेशन जो थी हमारी ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, तो ए एक्स एक बार रब करके इसको लिख रहा हूं मैं दोबारा, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी वो थी ए एक्स अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा मैंने इस ट्राइंगल से लिखना है, क्या लिखूंगा मैं, बेस दैट इज ए एक्स की पावर 1/3 अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ बी वाई की पावर, दिस इज टू है एक्चुअली, ये टू है, ये टू है, तो बी वाई की पावर 2/3 प्लस ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई अपॉन कॉस साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया बी वाई की पावर 1/3, और ये हो गया अंडर रूट ऑफ वही चीज इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हमारा पहले वाला वही रिजल्ट आ गया, तो गड़बड़ कहां हो रहा है, क्योंकि हमें प्रूफ दैट इस फॉर्म में लेके आना है। ओके पहले तो चलो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, ये बी वाई की पावर 2/3 प्लस ए एक्स की पावर 2/3, ये कॉमन लिया तो जाएगा ए एक्स, हाँ हो तो गया, देखो देखो गलती कहीं नहीं हो रहा है, देखो छोटा सा देखो क्या है, ये मेरा क्या है ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, देखो करेक्ट लिखा है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो करेक्ट लिखा है। अब देखो ये क्या लिखा है, देखो अगर मैंने इसको पावर हाफ करके लिख रहा हूं, देखो मैंने ऐसे लिख लिया इसको पावर हाफ करके लिखा, ध्यान से देखो, अब ये लिखा है जैसे अगर मान लो मैं इसको अल्फा बोल रहा हूं, तो ये क्या लिखा है अल्फा की पावर 1/2, तो अल्फा इंटू अल्फा की पावर 1/2 क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 3/2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखना ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, इसकी पावर कितना हो जाएगा, ये मैंने बोला अगर ये अल्फा है ये रूट अल्फा है, तो अल्फा की पावर 3/2, तो इसकी पावर 3/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। अब क्या करें ये चीज लाने के लिए, दोनों साइड पावर 2/3 ले लेते हैं, मैंने बोला बोथ साइड टेक द पावर 2/3, तो क्या हो जाएगा, अब डायरेक्टली आ जाएगा जब मैं इसकी पावर 2/3 करूंगा, तो ये 3/2 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर आ गया 2/3, तो हैंस प्रूफ, क्लियर है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, बस दिमाग में रखना ये स्टेप, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा इवन मैंने गलती कर दिया था, ठीक है ना, मतलब यहां तक करेक्ट किया था, कॉमन लेने के बाद ध्यान नहीं गया, क्या क्या ध्यान नहीं गया कि ये चीज और ये चीज सेम ही लिखी है, वो क्लिक नहीं कर पाया, ठीक है। अब हो गया हमारा, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिखो सी साइन क्यूब थीटा प्लस 3c कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एन, और एक लिखा है सी कॉस क्यूब थीटा प्लस 3c साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, और फिर मुझे प्रूफ करना है टू प्रूव दैट एम प्लस एन की पावर, देखो जब भी वो टू प्रूफ दे देता है ना तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है, उससे हमें पता चल जाता है कि हम कैसे कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, बताऊंगा इस क्वेश्चन की मदद से, प्लस एम माइनस एन की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2c की पावर 2/3, ठीक है 2c की पावर 2/3, ये हमें प्रूफ करना है, तो डेफिनेटली जो प्रूफ करना है दैट इज फ्री फ्रॉम थीटा, और हमें थीटा में दो इक्वेशन दिए तो मतलब हमारा काम हो जाएगा कैसे भी करके, ठीक है, मतलब एक इक्वेशन ज्यादा दी जितने एलिमिनेट करने वेरिएबल। अब जैसे मैंने बोला कि एक मिनट के लिए तुम तो ऐसे करो, तुम्हारा टारगेट क्या होगा, तुम प्रूफ दैट को मत लिखो, बेटर क्वेश्चन कब होगा जब हम केवल इतना लिखें एलिमिनेट थीटा, तब थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ जाएगा,
अगर उसने लिख दिया ना टू प्रूव दैट ऐसा, तो आसान हो गया क्वेश्चन. द रीजन इज इसने ऑलरेडी दे दिया कि m प्लस n करना है, m माइनस n करना है, फिर पावर 2 बाय 3 लेना है, फिर ऐड करना है, तो देखोगे थीटा अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा. तो टू प्रूव दैट से तो हमें काफी हिंट लग गई. क्या हिंट लग गई? कि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. अच्छा तो कर देते हैं फिर ऐड. तो मैंने बोला m प्लस n क्या हुआ, m प्लस n देखो इधर जब मैं ऐड करूंगा तो इधर मैं c कॉमन ले रहा हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं c इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. ये तो मैंने अभी तक क्या लिखा, केवल m लिखा, सॉरी n लिखा. अब m भी ऐड कर रहा हूं मैं, तो ये c दोबारा कॉमन है, फिर ये होगा कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा. अब करेक्ट लिखा है, अभी जो लिखा है दैट इज सिंपली एडिशन ऑफ फर्स्ट टू इक्वेशंस. अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, देखना ध्यान से. ए क्यूब प्लस बी क्यूब ठीक है प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए, ये तो हमारा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का. तो इससे क्या मिला, सी टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल क्यूब, दैट इज नथिंग बट एम प्लस एन. ठीक है, दिस इज एम प्लस एन. तो चलो अब मैंने क्या किया, ठीक है ऐसे रहने दिया एक मिनट के लिए. अब दिस इज लेट्स से माय इक्वेशन नंबर 1. नहीं तो एक काम और कर सकते हो, पावर 2 बाय 3 ले ही लो. एक काम करो, हम इसी फॉर्म में ले आते हैं, पावर 2 बाय 3 ले ही लो. तो इस 3 को मैं इधर उचका रहा हूं, तो देखो क्या आएगा. एक काम करते, दोनों तरफ मैंने पावर ले ली 2 बाय 3, दोनों साइड पावर 2 बाय 3 ले ली. देखो तो इधर से तो मेरा आ गया m प्लस n की पावर 2 बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू c की पावर 2 बाय 3. और इधर क्या बचा, साइन थीटा देखो ध्यान से प्लस कॉस थीटा, क्या बचा पावर 3 की पावर 2 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल स्क्वायर बचेगा, तो ये हो गया स्क्वायर. लेट्स से दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करें, हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं. वो कैसे हिंट लग रहा है अभी हमें, टू प्रूफ कैसे. तो अब अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं क्या आएगा, मैंने सब्ट्रैक्ट दिस दैट्स सी है, ये तो प्लस करेगा, ये प्लस करेगा, ये माइनस का हो जाएगा ये दोनों. अब हमारा कौन सी आइडेंटिटीज होगी, ए माइनस बी का होल क्यूब. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्या होगा, सी टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल क्यूब. अगेन क्या कर रहा हूं मैं, ट्रू प्रूफ देख के पावर क्या ले लो, दोनों साइड 2 बाय 3 ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 बाय 3, इसका पावर 2 बाय 3 हो गया और ये पावर 2 बाय 3 होके ये स्क्वायर हो जाएगा. इक्वेशन ये हो गया हमारा 2. अब क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को जस्ट ऐड कर दो. तो देखो अपने आप LHS तो ये आ ही जाएगा, RHS भी सब कट जाएगा. कैसे, देखो जब कॉमन लोगे तो सी की पावर 2 बाय 3 तो कॉमन आ ही रहा है. अब मैं इधर कह लूंगा, इधर देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1. तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, शॉर्ट में लिख रहा हूं साइन फॉर एस सी फॉर कॉस. अब मैं इधर ऐड करूंगा तो क्या आया, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उससे तो मेरा आया 1. और इससे क्या आएगा, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा. क्लियर है, क्या किया मैंने, ये कैसे आया मेरा इक्वेशन 2 और 3, 1 और 2 को ऐड करता था जो मैंने 1 और 2 बोला. तो इधर आ गया मेरा m प्लस n की पावर 2 बाय 3 प्लस m माइनस n की पावर 2 बाय 3. अब देखो ये खत्म, यू कैन सी 2 इंटू सी की पावर 2 बाय 3, 2 इंटू सी की पावर 2 बाय 3, हेंस प्रूफ. बट मैंने क्या बोला, अगेन ये क्वेश्चन टफ जब होता जब ये टू प्रूफ नहीं दिया जाता, तब थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता, तब सोचना फिर हमें वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं बोलूंगा टफ बहुत ज्यादा टफ हो जाता, हाँ थोड़ा टफ तो होता, बिकॉज फिर हमें क्लिक करना चाहिए क्या, कि अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो एक एक ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है. बट इसने दे दिया ना ऑलरेडी एम प्लस एन करके, तो आसान हो गया क्लिक करना. ये तो फिर तो हम तो कुछ भी ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते थे ना, लेट्स से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का सोच सकता था m इनटू n, या फिर इसका स्क्वायर रूट लेके ऐड करना चाह, वो भी सोच सकता था. बट इसने मुझे सोचने पे एक डायरेक्शन दे दी कि हाँ भाई तुम इधर उधर मत सोचो, इसी को इधर ही सोचो क्योंकि ये इधर दे रखा है. क्लियर है, चलो तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन है. तो ये वाला आइडेंटिटी भी बहुत यही में मतलब क्वेश्चन आए इसके ऊपर, ये याद रखना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू एम, इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू एम, और एक देखा है सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स इज इक्वल टू एन। चलो मैं टू प्रूफ नहीं देता हूं एक मिनट के लिए, मैंने बोला टू प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूं, मैं सिंपली बोल रहा हूं एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा। मैंने मान लो ये क्वेश्चन दिया एलिमिनेट थीटा, तो थोड़ा सा सोचने में थोड़ा टफ होगा, ऐसा नहीं बोला टफ बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, इजी होगा बट कंपेरेटिवली, क्योंकि अगर मैंने टू प्रूफ दे दिया ना तो मैं डायरेक्टली क्लिक कर जाएगा कि भाई क्या करूं मैं, इसको स्क्वायर करके ऐड करूं या डायरेक्टली ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं, वो सब अब हमें सोचना पड़ेगा। तो अब क्या करें, हम कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे पहले तो क्या किया, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सबसे मतलब हमारे कुछ क्लिक ना करें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो इधर से ही मेरा क्या आएगा, वन अपॉन कॉस एक्स प्लस इससे आएगा वन अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू एन। तो इधर से मैंने एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, साइन प्लस कॉस अपॉन साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू एन। अब ये साइन प्लस कॉस तो दे रखा है मुझे एम, तो इधर तो मैंने डायरेक्टली एम लिख दिया, ठीक है, एम अपॉन साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू एन। तो मैंने बोला इधर से मेरी साइन इंटू कॉस की वैल्यू क्या आ गई, एम बाय एन। तो मैंने बोला इसमें थीटा एलिमिनेट हुआ क्या, तो बोलना मत ये एस लिखा जैसे लिखा, थीटा नहीं लिखा, साइन थीटा कॉस थीटा ही लिखा है, तो थीटा एलिमिनेट हुआ क्या अभी तक, नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, इसका मतलब फर्दर अभी हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या करें, अब क्या करें, तो सुनना, जब भी साइन प्लस कॉस दिखे हो ना एक साथ एडिशन में, तो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स क्या करें, साइन इंटू कॉस जनरेट करने के लिए जस्ट स्क्वायर बोथ द साइड, स्क्वायर करो बिंदास, क्या हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। आप देखो लकीली क्या बन गया, इधर साइन इंटू कॉस जनरेट हो गया, और जैसे मैं साइन कॉस की वैल्यू इधर रखूंगा साइन इंटू कॉस दैट इज एम बाय एन, तो थीटा गायब, वही तो मेरा टास्क था। तो फाइनली क्या होगा, क्या किया, ये स्क्वायर किया, लिख लेना इसको प्रॉपरली, स्क्वायर किया इस वाली इक्वेशन को, ये आ गया, तो इधर से मैं उठा के इधर ये रख देता हूं, तो 1 प्लस 2 टाइम्स m बाय n इज इक्वल टू m स्क्वायर, सो दिस इज माय आंसर, दिस इज x, दिस एक्सप्रेशन इज फ्री फ्रॉम थीटा, वही मेरा टास्क था। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखो नेक्स्ट इज एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई बाय टू। अभी बताएंगे इसका इन्फॉर्मेशन क्यों है, दे रखा है थीटा इज नॉट मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, मतलब पाई बाय टू पाई टू पाई थ्री पाई बाय टू कुछ नहीं है, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू नहीं है, और ऑफकोर्स एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। चलो इसमें मैंने लिख देता हूं टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, करो तुम लोग एक बार, वीडियो पॉज करो तो देखो अब तुम्हें 100% आ जाएगा, ठीक है ना, जो जिसने भी सिंसियरली चारों क्वेश्चंस देखे वो कर देगा इसको, ठीक है ना। तो इसको अब हम मैं डिस्कस करता हूं, तो मैंने बोला क्या करें, तो सबसे पहले तो ये छोटी क्वेश्चन दिख रही है, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तेरे से मेरे को मिला x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा, तो देखो अच्छा, और जो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, देयर आर मल्टीपल वेज। तो देखो जैसा कि मेरा मानना है कि बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, जिसने भी ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके, इधर से tan थीटा निकाला, इधर से tan थीटा निकालो, ये cos थीटा इसके नीचे लेके आओ, तो tan थीटा क्या होगा बाय बाय x, फिर वो ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, अब sin थीटा cos थीटा निकाल लोगे उस ट्रायंगल से, वो इधर इधर रख दो, दैट इज द वन वे ऑफ डूइंग। क्लियर हुआ क्या बोला मैं, इससे मेरा tan थीटा आ जाएगा, मेथड वन, चलो मैंने बोला मेथड वन, इससे आ गया tan थीटा, कितना आया मेरा y बाय x, तो मैंने ट्रायंगल बनाया, दिस इज थीटा दिस इज वाई दिस इज एक्स, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब मैंने बोला इधर से साइन थीटा कॉस थीटा निकालो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, साइन थीटा क्या हो जाएगा वाई अपॉन दिस हाइपरटेन्यूज, कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन हाइपरटेन्यूज, जो तुम्हारी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज आई दैट यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन वन, थीटा खत्म, थीटा खत्म, ठीक है। तो दैट इज द मेथड वन, बहुत से बच्चों ने ऐसे किया होगा, अब हम इसको थोड़ा अलग करते हैं, ठीक है ना, इसको भी कर लेना तुम लोग कंप्लीट, मेथड वन को भी, ठीक है, मेथड वन को भी कंप्लीट कर लेना। अब हम मेथड टू से देखते हैं क्या किया हमने, थोड़ा सा स्मार्टली देखना तरीका,
इधर से ना x sin थीटा की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, तो पहले तो मैंने इसको ऐसे लिखा x sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या किया, जैसे कि मैंने बोला साइन थीटा की x साइन थीटा की वैल्यू उठा के इधर रख दी, तो मैं इसी इक्वेशन में चेंज कर रहा हूं, यू शुड राइट इन द नेक्स्ट स्टेप। तो ये मैं इधर लिख रहा हूं y cos थीटा, y cos थीटा। अब देखना बहुत मजेदार चीज होने वाली है, बहुत जल्दी आंसर आएगा हमारा। देखो अब इधर से मैंने y cos थीटा को अमल लिया, तो y cos थीटा अंदर क्या बनेगा, देखो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें, y cos थीटा कॉमन लोगे तो इधर sin स्क्वायर थीटा, इधर से y cos थीटा चला गया तो cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वन आया, तो वो वन इधर लिखा है इज इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर है, ये समझ में आया, इधर से y cos थीटा कॉमन लिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज वन, आइडेंटिटी है, तो हमारा ये आ गया। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज होगा इधर, थीटा नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2 नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस cos थीटा को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज ये जो जब वो कैंसिल करते हैं, बेसिकली हम एक्चुअली अब कैंसिल करते हैं तो होता क्या, ये cos थीटा इसके नीचे जाता है फिर कैंसिल करते हैं, ठीक है ना, बट हमने बोल दिया कि थीटा n पाई बाय 2 नहीं है, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं है, तो ये चीज जो cos थीटा होगा जीरो तो नहीं होगा कभी, बिकॉज जीरो का होता है cos थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, बल्कि इसने तो बोला सारे मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये चीज क्या कर लेगा n पाई बाय 2 सारे, ये क्या करेगा पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स भी कवर करेगा प्लस मल्टीपल ऑफ पाई भी कवर करेगा। जैसे मैंने अगर n की वैल्यू अगर ऑड रखी तो मेरा ये क्या आ जाएगा थीटा, थीटा क्या आ जाएगा, थीटा नॉट इक्वल टू, जैसे मैंने लिखा ऑड रखा तो पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कवर हो रहे हैं। जब मैंने n की जगह इवन रखूंगा तो देखो इवन रख के देखो क्या होगा, 2 रखा तो पाई, 4 रखा तो 2 पाई, तो थीटा नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2 मतलब क्या है, ना तो थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है ना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, इसका मतलब क्या है, ना साइन थीटा 0 है ना कॉस थीटा 0 है, देयरफॉर आई कैन कैंसिल दिस, ठीक है, देयरफॉर आई कैन कैंसिल दिस, समझ में आ रहा है, नहीं तो एक और इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो क्या करो इस टर्म को इधर लेके आओ ऐसे लिख लो, नहीं तो मैंने लिखा कॉस थीटा कॉमन लिया तो वाई माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो दो का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, बट ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो जीरो कब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, बट उसने मना कर दिया ना कि थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई बाय 2, तो इसका मतलब ये चीज जीरो नहीं है, दिस इज जीरो, तो इधर से मेरा क्या आया वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर हो गया बच्चों, वाई आ गया मेरा। चलो अब मैंने बोला कॉस के लिए क्या है, तो देखो इधर क्या कर दिया हमने, वाई को साइन थीटा इधर रख दिया, सब्स्टिट्यूटेड हियर, तो देखो मैं इधर लिख रहा हूं, इधर ही लिख रहा हूं, तुम अलग से लिखना, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई और कॉस, सॉरी वाई की जगह तो मैंने साइन थीटा लिखा, तो हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगेन आई कैन कैंसिल साइन थीटा बिकॉज दिस इज नॉट जीरो, क्योंकि थीटा क्या है एन पाई बाई टू नहीं है, इसका मतलब पाई भी नहीं है, टू पाई भी नहीं है, एंड सो ऑन, तो इधर से मेरे को क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब मैंने बोला दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड एलिमिनेशन, नाउ मैंने बोला एक्स कॉस थीटा है, वाई साइन थीटा है, तो मुझे थीटा एलिमिनेट करना है एक ही झटके में, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो ऐड करो, कौन कौन सी, एक तो लेट से मैंने इसको इक्वेशन 2 बोली, इसको इक्वेशन 3 बोली, तो मैं बोल रहा हूं इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड करो, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा एलएचएस में, इसके एलएचएस में आया तो उसका स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो यही तो हमें प्रूफ करना है, देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया, ठीक है ना। चलो तो अब हम और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर एक आध, नहीं तो एक काम करते हैं क्वेश्चन बाद में कर लेते, पहले थोड़ा सा और थ्योरी पढ़ लेते, आज मैं एक काम कर रहा हूँ ग्राफ्स और पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट क्लास से कंपाउंड एंगल्स वगैरह चालू करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ ऑफ फंक्शन, उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दूंगा एलिमिनेशन के ऊपर होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला लिख लो, तुम टॉपिक लिख लो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन अभी हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं करेंगे, इतना कर लेंगे कि जितना भी जरूरत है, बाकी ग्राफ्स जो है ना एज ए सेपरेट टॉपिक तुम्हें 12th में पढ़ाया जाएगा कैलकुलस में, ठीक है। बट हाँ अभी के लिए ये जो 6 ग्राफ है वो आने वाले हैं, मतलब यूज होने वाला है इनका फ्रीक्वेंटली, तो जितना जरूरत होगी उस हिसाब से अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे तो मोस्ट ऑफ द 80% कवर हो ही जाएगा, बट कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं ग्राफ से रिलेटेड, वो क्या, वो कैलकुलस का पार्ट है, तो उन चीजों को समझाने के लिए थोड़ा कैलकुलस लगता है, डिफरेंशिएशन वगैरह, तो वो सब चीजें अभी हम नहीं देखेंगे। क्या बोला, समझ में आया,
उतना पार्ट देखने वाले हैं हम ग्राफ में जितना अभी हमें 11th के लिए जरूरत है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। अच्छा अच्छा, उससे पहले मैंने बोला तो मैं ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज अ ग्राफ एक्चुअली, ग्राफ मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना है, तो कैसे स्टार्ट कैसे करना है ग्राफ, कोई भी बेसिक ग्राफ मुझे बताना है ड्रॉ करना है तो हाउ टू स्टार्ट द ग्राफ। क्या करते हैं हम, x की कुछ वैल्यू लेते हैं, लेट्स से 0 ली, 1 2 3 4 5, फिर क्या करते हैं हम इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लिखते हैं। तो x 0 डालेंगे तो y 0 आएगा, x 1 डालूंगा तो y कितना आएगा 1 स्क्वायर व्हिच इज 1, 2 डालूंगा तो y कितना आएगा 4, फिर 3 डालूंगा तो y कितना आएगा 9, 4 डालूंगा तो 16, 5 डालूंगा 25, ठीक है। अब बता दो ग्राफ होता क्या है, फिर क्या करेंगे हम इन पॉइंट्स को 0, 0 इसको लोकेट किया, 1, 1 इसको लोकेट किया, दिस इज 1 दिस इज 1 तो ये वाला पॉइंट आया, फिर 2, 4 को लोकेट किया तो दिस इज 2 दिस इज 4 तो ये पॉइंट को लोकेट किया दिस इज 2, 4, फिर सिमिलरली 3, 9 तो लेट्स से दिस इज 3 दिस इज 9 तो हमारा ये वाला पॉइंट आ गया 3, 9 एंड सो ऑन। फिर क्या करेंगे हम इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद दैट इज नथिंग बट अ ग्राफ। तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ में आया। क्या करते हैं हम ग्राफ में, क्या करते हैं अभी के लिए फॉर टाइम बीइंग बहुत बेसिक चीज कि कुछ पॉइंट्स लेते हैं ग्राफ पे जो हमें पता है जिसकी वैल्यूज पता है, जैसे अभी और क्लियर होगा जब हम इसका साइन एक्स का बनाएंगे। फिर हम क्या बोलते हैं उन पॉइंट्स को तुम एक्स वाई प्लेन पे लोकेट करो और जो भी डॉट्स आए उनको ज्वाइन कर दो, तो वो जाएगा हमारा ग्राफ। तो इस इंफॉर्मेशन से अब मैंने बोला वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो क्या बनाएंगे हम, तो देखो हमें कुछ कुछ वैल्यूज पता है साइन एक्स की, जैसे कि मैंने बोला x इज इक्वल टू 0 पे y 0 आता है, साइन 0 0 होता है तो ठीक है चलो 0 होता है, फिर मुझे पता है साइन पाई भी 0 होता है तो साइन पाई 0 हो गया, ठीक है ना। मैं क्या लोकेट कर रहा हूं, x को 0 डाला तो y मिला 0 तो दिस इज माय 0, 0, फिर मैंने बोला x को 0 पाई डाला तो y क्या मिलेगा अगेन 0, तो x को पाई डाला y 0 ऐसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं x कॉमा y, फिर मैंने बोला अगर x पाई बाय 2 होगा तो मेरा पॉइंट क्या आएगा, x अगर पाई बाय 2 होगा तो y 1 आएगा, तो x इज पाई बाय 2 एंड इसके करस्पॉन्डिंग y क्या आएगा 1 आएगा, तो लेट्स से दिस इज 1, ठीक है। फिर मैंने बोला x अगर 3 पाई बाय 2 होगा तो आंसर क्या आएगा -1, ठीक है ना। अब 3 पाई बाय 2 कैसे निकालेंगे हम, पाई माइनस पाई, पाई प्लस पाई बाय 2 ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और वो सब मैं तुम्हें सिखा दिया हूं कि t ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है ना। तो हम उस बारे में उतना नहीं देखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा क्या -1 किस पे, दिस इज एट 3 पाई बाय 2। फिर मैंने बोला 2 पाई पे क्या होगा, अगेन साइन 2 पाई इज 0, 2 पाई मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस ना, तो उस पे तो साइन 0 होता है, सो दिस इज 0 दिस 2 पाई। चलो वैसे तो इतने डॉट्स से भी काम चल जाएगा, बट एक आध और कर लेते हैं, थोड़े से और डॉट्स और बना लेते हैं। अब मैंने बोला चलो अब 0 और पाई 2 के बीच में कोई एक एंगल ले लेते हैं, तो लेट्स से मैंने 30 डिग्री लिया, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, पाई बाय 6 लिया, तो पाई बाय 6 पे वैल्यू कितनी आती है, साइन पाई बाय 6 इज हाफ, तो मेरा आता है ये हाफ, तो एक ये पॉइंट आ गया मेरा। सिमिलरली मैंने बोला लेट्स से पाई बाय 3 ले लेते हैं, तो साइन पाई बाय 3 कितना होता है, √3/2, तो वो हाफ से ज्यादा होगा कहीं तो इधर होगा। अब ऐसे डॉट इधर आ जाएंगे, व्हेन यू विल लोकेट फॉर दिस पॉइंट तो यू विल गेट डॉट लाइक दिस। अब इन डॉट्स को ज्वाइन कर दो, बस ज्वाइन कर दो, तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज नथिंग बट कर्व फॉर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। जैसा इस साइड है वैसे ये पीछे चलेगा, वैसे ये पीछे चलेगा, ठीक है। अच्छा अब इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें जरूरी है, पहले वो बता देता हूं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन मुझे इसका डोमेन, हम तीन हर एक जो भी ग्राफ है ना ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके में बारे में तीन चीज देखने वाले हैं हर एक ग्राफ के बारे में, क्या क्या, एक तो डोमेन, एक रेंज और एक उसका पीरियड। क्या होते हैं डोमेन रेंज, वो हमने ऑलरेडी बेसिक मैथ में पढ़ाया था। डोमेन क्या होता है, एक्स की अलाउड वैल्यूज, एक्स की अलाउड वैल्यूज का कंप्लीट सेट। अब डोमेन साइन एक्स में क्या होगा, डोमेन क्या ये कभी अनडिफाइंड होता है साइन एक्स, नहीं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर ऑलवेज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हम इधर एक्स कुछ भी रखें साइन एक्स विल गिव अस अ रिजल्ट। जैसे टेन एक्स में ऐसा नहीं है, टेन एक्स में ऐसा क्यों नहीं है, जैसे मैंने बोला टेन एक्स हमेशा डिफाइन नहीं होता, द रीजन इज टेन एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब ये चीज डिफाइन कब होगी, अनडिफाइन कब होगी, व्हेन डिनोमिनेटर जीरो, तो हम क्या बोलेंगे जब कॉस एक्स जीरो होगा तब मेरा टेन एक्स डिफाइन नहीं होगा, और कॉस एक्स जीरो कब होता है,
वर्टिकल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस को क्या लिखते हैं हम, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो इसका मतलब tan x is undefined at odd multiple of pi by 2. But sin x में ऐसा कोई लोचा नहीं है, sin x is always defined. अभी tan x पे जब पढ़ेंगे तो और डिटेल देखेंगे. So sin x is always defined. तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल वैल्यूज. तो r मतलब, r मतलब क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. अब आते हैं रेंज पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेंज क्या होगी, रेंज विल बी, रेंज मतलब क्या होती है, y की वैल्यूज, मतलब ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ y का कंप्लीट सेट. मतलब तुम्हारे पास x है, तुम सारे x उसमें रख दो, फिर देखो y क्या क्या मिल रहा है, और उन y का एक कंप्लीट सेट तो दिख रहा है. और वैसे भी मैंने बताया था ये वाला, ये हमारा वाई हो जाएगा, क्या ले सकता है, माइनस वन से वन के बीच में. तो साइन एक्स का रेंज क्या हो जाएगा हमारा, माइनस वन क्लोज से वन क्लोज, इसके बाहर साइन वैल्यू नहीं देता. साइन की जो वैल्यू है साइन थीटा की या साइन एक्स की, दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस वन टू वन. ठीक है, जहां तक समझ में आया, रेंज मतलब y की वैल्यूज का कंप्लीट सेट. तो y माइनस वन से वन के बीच में है इसका ग्राफ, और कहीं नहीं है. नेक्स्ट इज पीरियड, नेक्स्ट इज पीरियड. पीरियड मतलब क्या होता है, एक ऐसा टाइम इंटरवल जिसके बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है. तो यू कैन सी कि यहां से अगर मैंने यहां तक का ग्राफ बना लिया एक बार, इसके बाद क्या होगा, रिपीट करेगा ग्राफ. रिपीट करेगा से मेरा मतलब क्या है, इसी साइकिल को यू कैन शिफ्ट इट आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, दोनों तरफ किसी भी तरफ करो. तो दिख रहा है अगर मैंने ये साइकिल उठा के आगे की तरफ शिफ्ट किया तो मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा. तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, एक वो लेंथ जिसके बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है. तो ये कितना लेंथ है, कोई बोलेगा सर इसके बाद रिपीट कर रहा है क्या, नहीं इसके बाद रिपीट कर रहा होता तो ये वाली साइकिल इधर उठ के आती ना, ऊपर ही होती. बट दिस, हाँ ये कंप्लीट पार्ट है, दिस इज वन साइकिल, लिख लेना दिस इज वन साइकिल, बिकॉज इसके बाद रिपीट कर रहा है. ये वाली साइकिल उठा के मैं इधर रख दूं तो मेरा ग्राफ बन जाएगा. तो पीरियड क्या लिखूंगा मैं, 2 पाई, डोंट राइट पाई, कॉस साइन एक्स का पीरियड इज 2 पाई. क्लियर हुआ बच्चों? तो इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें जरूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा अब इसे एक आध चीज और देख लेते हैं साइन एक्स के बारे में. देखना अभी पहले मैं इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा फ्रेश ग्राफ बना रहा हूं. मैंने बोला देखो एक चीज और, जैसे जो तुम्हें शायद जरूरत पड़ जाए अभी के लिए, वैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हालांकि, बट फिर भी अभी टाइम बीइंग के लिए मैं इतना तो बता देता हूं. मैंने बोला ये ग्राफ है मेरा, लेट से ये ग्राफ है, ठीक है, ऐसा चलते जा रहा है. मैंने बोला ये तो रिपीट करेगा. फिर मैंने बोला लेट से, मैंने तुम्हें ऐसे बोला साइन थीटा हाफ कब होता है, तो व्हाट इज योर आंसर, व्हाट इज योर आंसर. जैसे मैंने बोला हम 9 10 तक अगर मैं पूछता हूं बच्चों से तो व्हाट दे, वो जवाब क्या देंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, व्हिच इज करेक्ट, ऑफ कोर्स करेक्ट, बट दैट इज पार्शियली करेक्ट, नॉट अ फुल्ली करेक्ट. क्यों, अब मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 6, सॉरी 5 पाई बाय 6, व्हाट इज साइन ऑफ 5 पाई बाय 6, तो आंसर क्या मिलेगा, इसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाय 6 लिखेंगे, एंड वी नो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो अगेन दिस विल बी गेट साइन, ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन पाई बाय 6, एंड दिस इज अगेन इक्वल टू हाफ. तो इसका मतलब मैंने पाई बाय 6 बताया था, दैट इज इनकम्प्लीट, बिकॉज थीटा तो मेरा 5 पाई बाय 6 भी आ रहा है, और यही तो नहीं ऐसे रिपीट करते रहेंगे. तो मैंने बोला ये सब कैसे, मैं इस ग्राफिकल से कैसे एक्सप्लेन करूं ये चीज, कि थीटा साइन थीटा हाफ हो रहा है तो मेरे थीटा एक नहीं आ रहा, पाई बाय 6 आ रहा है, 5 पाई बाय 6 आ रहा है, इसके बाद आएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाय 6. इस थीटा का भी साइन लोगे तो हाफ आएगा, वो मैं ग्राफिकली बता रहा हूं तुमको, ठीक है ना. नहीं भी आता है तो इसकी अभी एट प्रेजेंट कोई जरूरत है नहीं, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, ठीक है, सो डोंट वरी मच अबाउट इट. मैंने बोला, मैंने इधर एक लाइन खींची, वाई इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, वाई इज इक्वल टू हाफ. अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होता है, वाई कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, इतना तो हमें पता है, बेसिक फिजिक्स में ही पढ़ते हैं और 9-10 में भी इतना पढ़ के आते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वाई कॉर्डिनेट फिक्स होता है. तो मैंने बोला इसका वाई कॉर्डिनेट क्या है, ऑफकोर्स ये जो पॉइंट है जो मैंने मार्क किया, दैट इज लाइंग ऑन द कर्व एज वेल एज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब साइन एक्स पे भी लाई कर रहा है, तो इसका वाई कॉर्डिनेट क्या है, हाफ है, तो दिस इज इसका वाई कॉर्डिनेट इज हाफ. अब मैंने बोला इस पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट क्या है, व्हाट इज एक्स कॉर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, एक्स कॉर्डिनेट पे जाएंगे ये वाला. अब मैंने बोला वर्टिकल लाइन पे एक्स कॉर्डिनेट फिक्स होता है, तो मैंने बोला जो इसका होगा एक्स कॉर्डिनेट वही इसका होगा, क्लियर है. अब साइन थीटा हाफ कब होता है, दिस एंगल इज नथिंग बट पाई बाय 6, साइन ऑफ पाई बाय 6 इज हाफ,
क्लियर है। अब देखो 5/6 कैसे मिल रहा है तुम्हें, अगेन मैंने बोला ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी उस पर वाई कांस्टेंट था, तो इस पे अगेन मेरा वाई हाफ है। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो इसका होगा, तो इससे इस डायग्राम इस चीज से मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट 5/6। क्लियर है। इसके बाद मैंने बोला इधर एक और वैल्यू एक्सप्लेन की, तो ये वाली कितनी आएगी बेसिकली 2π + π/6, और ये मेरी क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, अगेन ये वाली वैल्यू, दिस विल बी 3π - π/6। क्लियर है। तो देखो ये सारे एंगल्स पे π/6 पे भी sin थीटा हाफ होता है, 5π/6 पे भी sin थीटा हाफ होता है, 2π + π/6 पे भी हाफ होता है, 3π - π/6 पे भी हाफ होता है, एंड सो ऑन। तो वो चीज हमने ऐसे समझी ग्राफिकली। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब मैंने जैसे एक और चीज को एक और कर लेते हैं, मैंने ये लिख लेना, पहले वीडियो पॉज करो इसको लिख लो। अब मैंने बोला sin थीटा हाफ होता है, ग्राफ से कैसे वेरीफाई करें कि कहां होता है हाफ, सॉरी वन। तो हमें पता है कि जैसे उस दिन हमने एक्सिस वाला पढ़ा था, तो हमें पता है कि sin थीटा इधर वन होता है, sin थीटा इक्वल टू वन इसी एक्सिस पे होता है, और कहीं होता है क्या, नहीं, नीचे माइनस वन होता है, हॉरिजॉन्टल पे तो जीरो होता है। मैंने बोला इधर sin थीटा माइनस वन होता है, इधर हमारा जीरो होता है, इधर जीरो होता है sin थीटा। अब sin थीटा वन होता है और ये एक्सिस कहां आती है, बेसिकली ये एक्सिस क्या होती है हमारी, π/2, या फिर मैं बोल सकता हूं π/2 + 2π, या फिर π/2 + 4π, इधर ही आना है मुझे लौट के। तो अब इस ग्राफिकली से मैं बता रहा हूं क्या है, देखो दोबारा एक बार और बना लेते हैं इसी के नीचे। मैंने बोला लेट्स से दिस इज माय ग्राफ ऑफ sin x, y इज इक्वल टू sin x। देखना मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अभी के लिए इतनी काफी है, ठीक है, और बाद में मैंने जैसे कि बोला बहुत डिटेल एनालिसिस हम देखेंगे बाद में सभी ग्राफ्स का। वैसे ये भी काफी डिटेल ही हो गया तुम लोगों के रिक्वायरमेंट, लास्ट ईयर मैंने इतना भी नहीं पढ़ाया था ग्राफ पे, ठीक है ना। बट क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो पूछते हैं बार बार, तो मैंने कहा चलो इस बार मैं क्लास में ले ही लेता हूँ ग्राफ, ठीक है ना। वैसे मैं जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक में इतना रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है ग्राफ की, ठीक है, बट बेनिफिट है तुम लोगों का, पढ़ रहे हम तो। अब मैंने बोला कि साइन थीटा, मैंने क्या बोला साइन थीटा इज इक्वल टू वन लोकेट करना है, तो देख रहा है ये वन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, π/2, तो देख रहा है π/2 आ गया, वेरीफाई हो गया। फिर मैंने ये वन है, ये वाई इक्वल टू वन की लाइन है ना, तो ये टच करते हुए ऐसे निकलेगी, तो अगेन इधर भी वाई वन है। अब ये मेरा एंगल कौन सा हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक तो मेरा कितना था 2π, और ये इतना लेंथ कितना होता है π/2, तो ये क्या आ गया 3π/2। समझ में आया, तो देखो साइन सॉरी नॉट 3π/2, 2π + π/2, 5π/2, तो करेक्ट है ये, π/2 5π/2, इन्हीं पे तो हमारा साइन थीटा वन होता है। क्या लिखते हैं हम ऊपर वर्टिकल वाली लाइन को, क्या लिखते हैं, देखो 4n + 1 × π/2 लिखते हैं, n की जगह 0 डालो तो क्या आ रहा है π/2, n की जगह 1 डालो तो 5π/2, एंड सो ऑन। क्लियर हुआ, चलो। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, बट तुम्हें क्या याद रखना है, साइन थीटा का डोमेन होता है आर, रेंज होता है -1 to 1, और पीरियड होता है 2π। ये तीन चीजें एकदम टिप्स पे होना चाहिए, और एटलीस्ट तुम्हें शेप पता होना चाहिए साइन का, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि मैंने यहां से बनाया तो पीछे भी जाएगा, ये इट विल गो लाइक दिस वे इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है ना, टिल इंफिनिटी, हियर टिल -∞। चलो तो हमारा एक ग्राफ हो गया साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। और अगेन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, हमें तीन चीजें याद रखनी है और सभी ग्राफ्स के लिए। एक लास्ट में मैं टेबल और बनवा दूंगा जिसमें मैं लिखूंगा फंक्शन मतलब साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह, उनके डोमेन, उनके रेंजेस और उनका पीरियड, ठीक है ना। चार कॉलम बनाएंगे हम उसमें, लास्ट में लिखेंगे, बट अभी हम एक एक करके ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं लेट्स से y इज इक्वल टू कॉस एक्स, अब हमारा जल्दी जल्दी होगा, ठीक है ना। मैंने बोला अब हम पढ़ेंगे y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो देखना y इज इक्वल टू कॉस एक्स को, तो अगेन तरीका क्या होगा, वही जैसे हर बार करते हैं। मैंने बोला x इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी है, तो हमें पता है cos 0 तो 1 होता है, मतलब cos 2n π 1 होता है, मतलब जो एक्सिस नंबर 1 है उस पे cos थीटा 1 होता है। तो इस पे मेरा 0 पे वैल्यू कितनी आती है 1, तो दिस इज द पॉइंट 1 0 1, x0 y1। फिर मैंने बोला π/2 पे क्या होता है 0, तो दिस इज π/2 विच इज π/2 पे 0। फिर मैंने बोला पाई पे क्या होता है, cos पाई इज -1, दिस इज -1, तो ये पाई पे वैल्यू इज -1, तो यहां आएगी। क्लियर है। फिर मैंने बोला 3π/2 पे क्या होगा, हमें पता ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। फिर 2π पे क्या होगा, cos 2π इज नथिंग बट फर्स्ट एक्सिस ना, दैट इज 1, तो अगेन ये हो जाएगा। अब अगेन कुछ वैल्यू तुम्हें बीच की लिखनी है, तो यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है ना, वो तुम्हारी मर्जी है, मैं डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा हूं इसको,
अब मैं क्योंकि काफी डिटेल में हमने साइन का देख लिया, अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, देखना आई ज्वाइन इट लाइक दिस वे, ऐसे चलता रहेगा ये, और इधर भी हमारा ये ऐसा चलता रहेगा, एंड सो ऑन, इट विल गो लाइक दिस वे। अब इधर क्या हो गया, ये मेरा कितना था 2 पाई ना, 2 पाई, एंड दिस इज 3 पाई बाय 2। तो अभी मैंने बोला साइन और कॉस में अंतर क्या है, बेसिकली थोड़ा सा अंतर है कि जो साइन का कर्व था ना उसी को मैंने शिफ्ट कर दिया पाई बाय 2 से। देखो अगर मैं इसको आगे की तरफ पाई बाय 2 से शिफ्ट कर दूं तो मेरे को साइन मिल जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा ना, तो वो साइन मिल जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं जैसे तुम फिजिक्स वगैरह में पढ़ोगे या फिर पढ़ भी वैसे पढ़ोगे आगे जाके, साइन और कॉस जो होती है ना वेव्स, उनमें पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है ना, मतलब पाई बाय 2 एक आगे होती है एक पीछे होती है, ठीक है। अब देखना मैंने और क्या लिखते हैं, तो इसका पीरियड क्या होगा, अगेन 2 पाई होगा। अब मैंने साइन की वेव, साइन वेव को शिफ्ट किया है पाई बाय 2 से आगे, तो लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी पीरियड की, तो अगेन दिस इज द पीरियड, एक साइकिल का वन साइकिल, दिस इज द वन साइकिल, इसका लेंथ कितना हो गया 2 पाई, तो ये क्या हो गया मेरा पीरियड। इसके बाद रिपीट करेगा, अब यही वाला ग्राफ उठा के तुम इधर रख दो तो देखो यही चीज बन जाएगी, क्लियर है। अच्छा फिर आते हैं इसके डोमेन पे ऊपर, व्हाट इज डोमेन, अगेन साइन थीटा कॉस थीटा इज ऑलवेज डिफाइंड, और हमें डोमेन होते क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन डिफाइन हो, तो दिस इज नथिंग बट जस्ट लाइक साइन, इट इज ऑल रियल वैल्यूज। फिर मैंने बोला व्हाट इज रेंज, एग्जैक्टली सेम जस्ट लाइक साइन, इट इज -1 to 1, ये मेरा 1 है ये मेरा -1 है, तो देखो यहां से यहां तक वाई एक्सिस में यहां से यहां तक कवर हो रहा है, इसी के बीच में ग्राफ है, इसके ऊपर भी नहीं जा रहा है इसके नीचे भी नहीं जा रहा, वाई की वैल्यूज क्या आएगी -1 to 1, एंड अगेन कीप इन माइंड क्लोज है, मतलब -1 भी ऑब्टेनेबल है 1 भी ऑब्टेनेबल है, पता है ना हमें, तो cos थीटा 1 कब होता है 2n पाई पे, और -1 कब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है ना, याद करो हमने ये सब देखा था। इधर मैंने लिखा था साइन थीटा 0 होता है cos थीटा 1 होता है, इधर क्या लिखा था साइन थीटा 0 मतलब हॉरिजॉन्टल टू एक्सिस, इधर cos थीटा 1, और ये एक्सिस होती क्या है बेसिकली 2n+1 × π ना, और ये क्या होती है 2n π, तो वही चीज मैं बोल रहा था, ठीक है। अच्छा अब जैसे इससे भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा की वैल्यू 2π लिखी, जैसे n की वैल्यू इधर 1 रखा तो 2π आया, तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो देख रहा 2π पे मेरा वैल्यू 1 आ रहा है, y की वैल्यू 1 आ रही है। मैंने लगा इधर n की जगह 0 रखा तो क्या आया पाई, तो पाई पे इधर क्या आना चाहिए cos थीटा माइनस, ये -1 इधर -1, तो देख रहा -1 आ रहा है cos पाई पे, ठीक है ना, तो एवरीथिंग इज जस्टिफाइड बाय द ग्राफ, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला चलो एक आध और देख लेते इसी पे ग्राफ, एक पॉइंट और, जैसे मैंने बोला cos थीटा = ½ कब होता है, ठीक है ना, व्हाट cos थीटा ½ कब होता है, मैंने बोला cos थीटा = ½ कब होता है, तो जनरली 9-10 तक स्टूडेंट आंसर क्या देते हैं, थीटा = π/3, 60 डिग्री, मतलब विच इज करेक्ट बट नॉट फुल्ली करेक्ट, दिस इज पार्शियली द रीजन इज, अब देखो ग्राफ से इसको समझ सकते हैं, मैंने cos x का ग्राफ बनाया, मैंने cos x का ग्राफ बनाया, तो अब मैंने बोला चलो इधर भी बना दिया ऐसे, एंड सो ऑन, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। अब मैंने y = ½ लाइन ड्रॉ करी, सो दिस इज माय y = ½, तो ये हॉरिजॉन्टल है तो इस पे y कोऑर्डिनेट, ये इसका y कोऑर्डिनेट भी ½ होगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो y कोऑर्डिनेट है विच इज ½, x कोऑर्डिनेट क्या होगा π/3, तो इस x पे मुझे y ½ मिला, सिमिलरली इस x पे ही मिलेगा, और ये होगा क्या, अब ये होगा क्या वो मेन है, कैसे निकालेंगे वो, कैसे निकालेंगे वो मैटर करता है। तो देखो एक तरीका तो क्या है कि हमें ये पता है कि देखो क्या लिख रहा हूं मैं, cos of 2π - π/3, कुछ सोचो क्या है ये, cos of 2π - π/3 का कौन सा एंगल आता है, जस्ट थिंक इट, मतलब क्या होता है इसका आंसर, तो इधर पाई का मल्टीपल है, फिर क्या करते हैं हम, पाई का है इसलिए cos का cos में रहेगा, ऐसे सीखा था हमने, फिर 2π - π/3 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो cos थीटा विल बी पॉजिटिव, तो दिस विल बी cos π/3, एंड वी नो इट इज ½, तो बेसिकली ये जो एंगल आ रहा है तो मार्क कर लेना अभी के लिए, दिस इज नथिंग बट 2π - π/3, ठीक है ना, 2π - π/3, 300 डिग्री, बिकॉज ये जो मेरा एंगल है ना ये वाला, दिस इज 2π, ये जो लेंथ है ना दिस इज π/3, तो ये सब छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जिनका हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है ना, इतना डिटेल में अभी हमें जाने की जरूरत थी नहीं, मैं एक्स्ट्रा के लिए पढ़ा रहा हूं, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर यू, ठीक है ना, अभी के लिए इतना जरूरत नहीं है, बट फिर भी अच्छी बात है सीख लो तो,
ठीक है। हाँ याद क्या रखना है, जो चीज इंपॉर्टेंट है जो हर बार काम की उस काम आएगी, दैट इज डोमेन इज आर, रेंज इज माइनस वन टू वन एंड पीरियड इज टू पाई, जस्ट लाइक एग्जैक्टली सेम लाइक साइन। रेंज भी उधर भी डोमेन आर था, इधर भी आर है, उधर रेंज माइनस वन टू वन था, इधर भी माइनस वन टू वन है, और फाइनली पीरियड उधर भी टू पाई था, इधर भी टू पाई है। बट ग्राफ्स याद रखना, टिप्स पे रखना ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा मैंने बोला ये वाला पॉइंट क्या है, तो एक्स की जगह जीरो रखा तो वैल्यू क्या आती है, वन आती ना, तो दिस इज जीरो कॉमा वन। तो इस टाइप से तुम कुछ कुछ पॉइंट्स लोकेट करके प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो, जैसे फिर तुम खुद से अपने आप से पूछो कि ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो दिख रहा है ये वाला वाई कोऑर्डिनेट तो माइनस वन है, अब मैंने बोला एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इतना ये आधी साइकिल हो गई, तो डेफिनेटली इट विल बी पाई, तो इधर क्या हो जाएगा पाई कॉमा माइनस वन। तो ऐसे खुद से प्रैक्टिस करो, जस्ट ट्राई टू लोकेट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, मतलब पीक पॉइंट्स ले लिए या वाला पॉइंट्स ले लिए जहां कर्व हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो सब पॉइंट लेके थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया खुद से। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट ग्राफ, दैट इज वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। थोड़ा फास्ट करते हैं, काफी हमने थोड़ा ज्यादा एम्फोसाइज कर दिया मैंने साइन कॉस पे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ठीक है बच्चों। चलो तो मैंने बोला थर्ड ग्राफ इज वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, तो टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब जैसे उधर तो हमने क्या बोला था, डोमेन इज आर, मतलब साइन और कॉस में हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी से मेरा मतलब ऑफकोर्स रियल वैल्यू। तो इधर रख सकते क्या, इधर आंसर बोलेगा नहीं, इधर कौन सी नहीं रख सकते, जब कॉस एक्स जीरो, क्योंकि कॉस एक्स जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने बोला जो वो एक्स जिसके लिए कॉस एक्स जीरो होता है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि डोमेन तो वही होता है ना कि एक्स की अलाउड वैल्यूज जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन डिफाइन हो। बट मैंने बोला वो एक्स जिसके लिए कॉस एक्स जीरो होगा, तब तो मेरा डिफाइन नहीं होगा ना एक्स। तो अब कॉस एक्स जीरो कब होता है, कॉस एक्स जीरो मेरा कब होता है, वर्टिकल एक्सिस पे। वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऐसे बोल लो। तो मैंने बोला डोमेन क्या हो जाएगा मेरा, फाइनली डोमेन विल बी आर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं, एक्सेप्ट मतलब माइनस करके वो पार्ट हटा रहा हूं जब ये अनडिफाइन है, तो क्या जाएगा टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, क्लियर है। ये तो कोई डोमेन की बात, अब आते हैं रेंज पे। अब देखो रेंज, ये भी एक इंटरेस्टिंग है, हालांकि रेंज क्या होगा, जस्ट थिंक इट योरसेल्फ रेंज क्या होगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इधर आंसर, ठीक है ना, मैं इधर आंसर लिख रहा हूं, रेंज इज ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, रेंज इज ऑल रियल नंबर कैसे आएगा, चलो वो भी समझ लेते हैं जब इतना कर लिया है। तो मैंने बोला ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, माइनस वन टू वन, ठीक है। अच्छा चलो, फिर मैंने बोला कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होगा मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा मेरा, बड़ा होता जाएगा। बिकॉज द रीजन इज जैसे मेरा डिनोमिनेटर छोटा होगा, मैंने कहा जैसे डिनोमिनेटर पहले 0.5 है तो मेरा ये क्या हो गया, ऊपर जाके 2 हो गया। अभी न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, न्यूमरेटर को ऐसे एज इट इज लिख दिया। फिर लड़का और छोटा किया 0.25 किया, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट इनटू 4.25 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर मैंने ये 0.00000001 कर दिया तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ वेरी बिग नंबर, इंफिनिटी। 1 अपॉन समथिंग वेरी स्मॉल इज नथिंग बट इंफिनिटी। तो कहने का मतलब क्या होगा, मेरा ये प्लस इंफिनिटी को टच करेगा, कब करेगा वो भी देख सकते हैं। देखो पहले ग्राफिकली देख लेते हैं, एक बार ग्राफिकली देख लेते हैं इसको, तो ग्राफ भी हो जाएगा हमारा। मैंने बोला जैसे सुनना, ऐसे y इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो पहले सबसे छोटा पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो पे, टेन थीटा जीरो होता है तो x इज इक्वल टू जीरो पे ये पॉइंट आएगा मेरा। फिर मैंने बोला x इज इक्वल टू पाई बाय फोर पे, टेन पाई बाय फोर कितना होता है, वन, इसे हम पढ़ चुके हैं, नाइन टेंथ में पढ़ के आते हैं, टेन पाई बाय फोर इज वन, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर मैंने बोला पाई बाय सिक्स पे क्या होता है, अच्छा पाई बाय सिक्स पे तो इससे भी कम होता है, ये तो वन हो गया। पाई बाय सिक्स पे क्या होता है, रूट थ्री, तो ऊपर और आएगा, दिस इज रूट थ्री, और ये लेट्स से दिस इज माय पाई बाय थ्री 60 डिग्री, एंड सो ऑन। सो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, मैंने ऐसे बनाते गया। अब मैंने बोला अब क्या होगा, बेसिकली देखो जब मैं जीरो से पाई बाय टू की तरफ जा रहा हूं, आई एम मूविंग फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू। अब देखो ध्यान से देखो इधर क्या यूज होगा हमारा, देखना साइन और कॉस दोनों का ग्राफ होगा। मैंने बोला साइन और कॉस का ग्राफ मैं जीरो से पाई बाय टू के बीच में बना रहा हूं, तो दिस इज माय साइन एक्स का ग्राफ जीरो से पाई बाय टू के बीच में, यही बनाया था अभी हमने, ये आगे जाके ऐसे होता है, बट मुझे अभी जीरो से पाई बाय टू के लिए मतलब है। और मैंने बोला कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का उल्टा डिक्रीज होता है, ऐसे होता है, दिस इज जीरो दिस इज पाई बाय टू। अब देखो जब मैंने बोला x को मैं 0 से पाई बाय 2 की तरफ ले जा रहा हूं, x को बढ़ा रहा हूं, तो न्यूमरेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, न्यूमरेटर तो बढ़ रहा है, साइन बढ़ रहा है,
और कॉस क्या हो रहा है, घट रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है। हमने बोला न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, और डिनोमिनेटर ठीक है घट रहा है, तो ओवरऑल क्या बनेगा ये, ओवरऑल क्या बनेगा ये, ऑफकोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, इसलिए दिख रहा है ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इंक्रीज करते 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 अब मैंने बोला ठीक है कॉस एक्स की वैल्यू बहुत छोटी आती गई, बहुत, तो कॉस एक्स की वैल्यू एक्जैक्टली पाई बाई टू पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो मतलब वन अपॉन जीरो हो जाएगा ये, विच इज इंफिनिटी। तो ये कर्व कैसे जाएगा, इस टाइप से, इस टाइप से कर्व जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर हेयर ऑल्सो बैक साइड, क्लियर हुआ। एक बार और मैं दोबारा बना देता हूं इसको ग्राफ को, मैंने बोला कैसे एक्सप्लेन किया वो समझ लेना, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो अगेन मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं, डोंट वरी मच अबाउट इट, ठीक है, डोंट वरी मच अबाउट इट। अभी हमें केवल ग्राफ से मतलब है, डोमेन रेंज और पीरियड, तो हो जाएगा हमारा टेन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है एक्चुअली, ठीक है, और इस साइड के लिए हमारा ऐसा होता है, दिस इज माइनस पाई बाय टू, दिस इज जीरो, दिस इज पाई बाय टू, पाई बाय टू पे मैंने क्या बनाया बेसिकली, ये इन्फिनिटी को जा रहा है ये, एक्चुअली ये मेरी क्या होती है, आगे जाके पढ़ेंगे, आगे इतनी डिटेल में जरूरत नहीं, ये एसिम्प्टोट होती है, तो बेसिकली ये मेरा ग्राफ इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है, ऊपर वर्टिकली मूव कर रहा है, इधर मेरा ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, कभी इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यही ग्राफ क्या होगा, आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा, कैसे शिफ्ट होगा देखो, मैं लिख रहा हूं इधर, इधर ही बना रहा हूं, दैट यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली हियर ऑल्सो ये ऐसे गया, एंड सो ऑन, समझ में आ रहा है। अब मैंने बोला कुछ कुछ पॉइंट्स मार्क कर लो जो जो इंपॉर्टेंट तुम्हें लग रहा है, एक तो जीरो पे जीरो होता है, साइन एक्स कब, टेन एक्स और कब जीरो होता है, जब साइन एक्स जीरो होता है, साइन एक्स जीरो कब होता है, पाई के मल्टीपल पे, तो दिख रहा है दिस इज पॉइंट इज पाई, ये पाई बाय टू पे अनडिफाइंड हो रहा है, क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो अब कॉस थीटा और कब जीरो होता है, पाई बाय टू के बाद, थ्री पाई बाय टू पे, तो ये वाला अगेन ये थ्री पाई बाय टू होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो ग्राफ ये इन्फिनिटी पे जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दिस इज ऊपर जा रहा है ऐसे, और ये नीचे जा रहा है, समझ में आया। तो अब मैंने बोला इसका पीरियड क्या है, तो पीरियड इज दिस मच, इसके बाद ही तो रिपीट कर रहा है, ये ग्राफ उठा के तुम इधर रख दो, क्लियर है, ये ग्राफ तुम उठा के उधर रख दो। फिर मैंने बोला चलो एक और एक्स्ट्रा चीज इन्फॉर्मेशन दे देते, हालांकि जरूरत नहीं, अगेन वही मैंने बोला, वही जैसे हमने उधर किया था अभी तक, मैंने बोला टेन एक्स इज इक्वल टू लेट्स से रूट थ्री, तो व्हाट इज द आंसर, जैसे अपन अगर मान लो 9th 10th का आंसर सुनेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब पाई बाय थ्री, बट अगेन पाई बाय थ्री अलोन इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज अ पार्शियली करेक्ट, क्योंकि अब मैंने बोला x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू रूट थ्री, ये लाइन बनाई, दिस इज y इज इक्वल टू रूट थ्री, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन है, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है, तो मेरा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y 3 और रूट थ्री होगा, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस इज पाई बाय टू से पहले कब आता है रूट थ्री, 10 की वैल्यू पाई बाय थ्री पे, तो ये पाई बाय थ्री है, सिमिलरली ये पॉइंट पे भी रूट थ्री मिल रहा है, बट ये वैल्यू कितनी है, तो अगेन अब ये कौन सी आ जाएगी मेरी, ये डिस्टेंस कितना है पाई बाय सिक्स, तो ये भी डिस्टेंस पाई बाय सिक्स है, तो या तो इसको ऐसे लिख लो, इस वाले एंगल को ऐसे लिख लो, थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय सिक्स, देख लो भले इस पे वैल्यू तुम्हारी यही आती है, क्योंकि टेन ऑफ थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है, टेन ऑफ थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, वेट अ मिनट, करेक्ट है, टेन ऑफ थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है, cot theta, और cot pi by 6 कितना होता है, 10 pi by 3, and that is nothing but root 3, तो correct आ रहा है, समझ में आ रहा है किसी, तो इतना काफी है इसके लिए, तो अगेन इसके लिए हमने क्या क्या देखा, डोमेन निकालना अच्छे से ग्राफ, ठीक है, डोमेन रेंज और क्या बोलते हैं अपना पीरियड, पीरियड देखना याद रखना आधा है, साइन कॉस का तो 2 पाई था, इसका पीरियड पाई है, ठीक है, तो तीन चीज हो गई। अब मैं थोड़ा फास्ट और बनाता हूं थोड़ा ग्राफ, y is equal to cot x का, y is equal to cot x, तो अगेन देखो सिंपल है, 10x की तरह की, 10x की तरह है, क्या होगा देखो, अब ऐसी साइकिल हो जाएगी, देखो कैसे बनाया मैंने, इसी साइकिल को रिपीट करना है, वो तुम लिख लेना, उसी को रिपीट करना, बस इसी को तुम आगे लिख देना। अब देखो ये क्या है, cos x upon sin x, मैंने बोला ये जीरो कब होगा, जब cos x जीरो होगा, और cos x जीरो कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे, तो इसका मतलब ये पाई बाय टू होना चाहिए वाला पॉइंट, क्योंकि ये क्या हो रहा है, दिस इज माय x एक्सिस ना, मैंने बोला ये डिफाइन कब नहीं होता, डिफाइन कब नहीं होगा, जब sin x जीरो होगा, और sin x जीरो कब होगा, जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, तो बेसिकली दिस इज जीरो, तो देख रहे हो ग्राफ इस एक्सिस को टच नहीं कर रहा है कभी, ऊपर जाता जा रहा है, सिमिलरली दिस हैज टू बी पाई, बिकॉज इस पॉइंट पे क्या होगा, ये इन्फिनिटी को जाएगा ना, तो देखो इन्फिनिटी को जा रहा है ग्राफ, तो ऐसे दो चार पॉइंट लोकेट कर लिए, ठीक है। अच्छा अब मैं आ रहा हूं इसके डोमेन पे,
तो डोमेन में क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो एक्स जिसके लिए मेरा साइन एक्स जीरो होता है, और साइन एक्स जीरो का होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, उसको मैथमेटिकली क्या लिखूंगा मैं, एन पाई। तो ये मेरा हो गया डोमेन। मैंने बोला रेंज, रेंज जैसे टेन एक्स की एक्सप्लेन की थी सेम तरीके से रेंज इज ऑल रियल नंबर्स। देखो वाई एक्सिस पूरा कवर कर रहा है ना, मतलब हर एक वाई ऑब्टेनेबल है, ये वाई आ जाएगा, हाँ आ जाएगा ना, इस एक्स पे आएगा, क्लियर है। चलो उसके बाद पीरियड और लिख लो, पीरियड इज नथिंग बट पाई, याद रखना इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, पाई साइन ऑफ कॉस एक्स का क्या था टू पाई, और टेन एक्स और कॉट एक्स का पाई, ठीक है। तो इतना पार्ट कर लिया, अब लास्ट के दो ग्राफ और कर लेते हैं जल्दी से फास्ट, फिर हमारा आज का लेक्चर एंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो एक ग्राफ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और दूसरा उसी की तरह से तुम लोग कर लेना। मैंने बोला वाई इज इक्वल टू, लेट से मैं सेक एक्स ले रहा हूं, सेक एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ, अब मुझे पता sec x पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको क्या होता है 1 अपॉन cos x, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला डोमेन पे आते हैं, तो डोमेन क्या होगा अगेन, व्हाट विल बी द डोमेन, अलाउड वैल्यूज ऑफ x, तो ये कब अनडिफाइन होगा, व्हेन cos x इज 0, और cos x 0 कब होता है 2n + 1 * π / 2 पे। तो डोमेन क्या हो जाएगा, r ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π / 2, मतलब 2n + 1 * π / 2, जैसे मेरा tan x के नीचे cos x था ना, तो tan x में भी डोमेन ये था, तो इसका डोमेन भी वही हो जाएगा, क्योंकि tan x के डिनोमिनेटर में भी क्या था cos x था, इधर भी डिनोमिनेटर में क्या है cos x, तो डोमेन ये हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, चलो एक रेंज के ऊपर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, मैंने तुमसे बोला कि अगर मैं मान लो 1 को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहा हूं, चलो पहले पॉजिटिव फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहा हूं, व्हाट विल बी द आंसर, जैसे मैंने ऐसे लिखा 1 को मैंने डिवाइड किया 0, 1 के बीच के नंबर से, सो व्हाट विल बी द आंसर, क्या मिलेगा हमें, दिस इज ग्रेटर देन 1 मिलेगा ना, जैसे मैंने लिखा 1/0.5, दिस इज अ फ्रैक्शन एंड दिस इज नथिंग बट 2 व्हिच इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन लिख रहा हूं तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। अब फॉर अभी पॉजिटिव फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, अब आओ इधर, अब मुझे पता है पॉजिटिव की बात कर रहे हैं अभी 2 मिनट के लिए, मैंने बोला 1/cos x है, अब ये पॉजिटिव वैल्यूज क्या लेता है 0 से लेके 1, ऑफकोर्स चलो 1 पे भी क्लोज है तो 1 पे क्लोज लगा दिया। मैंने बोला जब 1 ले रहा है, जब मैंने बोला 1 ले रहा है तो 1/cos x क्या हो जाएगा 1, तो 1 हो गया। अब मैंने बोला 1 के अलावा अगर मैं इसमें से कोई भी वैल्यू उठाऊं, लेट से मैंने 0.5 उठाई, तो cos ये ओवरऑल क्या हो गया 1/0.5 व्हिच इज 2। अब मैं इसकी वैल्यू 1 से घटाता जा रहा हूं, चलो मैंने बोला cos x वैल्यू 1 से घटाता गया, पहले 0.5 लिया तो कितना आया 2, फिर 0.25 लिया cos x की वैल्यू तो क्या आएगा 4। तो यू कैन सी कि जब मैं इसको घटा रहा हूं, जैसे 0-0 की तरफ आ रहा हूं, तो 1/cos x बढ़ता जाएगा। अब मैंने बोला जैसे मैं 0 की तरफ आया, मतलब 0 की तरफ आया से मेरा मतलब है, मैंने ऐसे लिखा 0.00000000 ऐसे 1 करोड़ बार लिख दिया, 1/this क्या हो जाएगा बहुत बड़ा नंबर, तो क्या आ जाएगा मेरा 1, infinity, क्लियर है। अच्छा ये तो होगा पॉजिटिव की बात, अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। मैंने बोला अगर cos x नेगेटिव की बात करते हैं तो cos x कहां से कहां लाई करेगा, दैट विल बी लाई विट फ्रॉम, लेट से चलो क्लोज लगा देते हैं, -1 से 0। अगेन मेरा कैसे एक्सप्लेन किया अगर हुआ, माइनस जब cos x -1 होगा तो 1/cos x भी क्या होगा -1, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला अगेन इफ आई टेक अ फ्रैक्शन ऑफ, इफ आई टेक एनी फ्रैक्शन इन दिस इंटरवल, व्हाट विल बी द 1/cos x, और छोटा होता चला जाएगा ना, छोटे से मेरा मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो बढ़ेगा, जैसे मैंने लिखा -0.25, तो 1/-0.25 कितना हो गया -4 ना, तो और छोटा हो गया ना नंबर, तो कहां जाएगा जाते जाते -infinity पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी रेंज। तो अब देखो क्या हुआ, बेसिकली जो साइन एक्स की रेंज थी ना, जो साइन एक्स और कॉस एक्स की रेंज थी, उस वाला पार्ट हट गया, क्योंकि ये कभी -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करेगा, समझ में आ गया। चलो तो ये हो गया थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका रेंज का, अगेन नॉट दैट मच रिक्वायर्ड, बट फिर भी वो तुम अपने से पर्सनल खुद का भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल IQ का एप्लीकेशन है, ठीक है। अब मैंने बोला अब आते पीरियड पे, तो इसका पीरियड भी लिख लो, पीरियड इज 2π। अब आ जाते फाइनली ग्राफ पे, अब मैंने बोला देखो, और मैंने इधर वो मिटा दिया रेंज, दोबारा लिख रहा हूं मैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब मैंने क्या बोला
कि ठीक है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो नहीं डाल सकता, फर्स्ट फोकस ऑन रेंज। रेंज क्या है? माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इंफिनिटी। इसका मतलब माइनस वन से वन के बीच में वाई नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है ग्राफिकली? इसका मतलब क्या है? वाई इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू माइनस वन, इसके बीच में ग्राफ नहीं आएगा। मतलब इस रीजन में ग्राफ नहीं आएगा, वाई इज इक्वल टू वन के ऊपर आएगा या फिर वाई इज इक्वल टू माइनस वन के नीचे आएगा, इस रीजन में मेरा ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अच्छा अब ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ऑफ कोर्स दिस इज जीरो, दिस इज माय वाई एक्सिस। आप देखना, अब एक आध पॉइंट लोकेट करते हैं। मैंने लगा एक्स को अगर जीरो डाला तो कॉस जीरो इज वन, तो वाई इज इक्वल टू क्या है? वन अपॉन वन विच इज वन। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वाई मेरा बना रहा, मतलब दिस इज द पॉइंट। ठीक है, फिर मैंने बोला अब मैं जीरो से पाई बाय टू की तरफ जा रहा हूं, तो अगर पाई बाय टू पे तो अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब पाई बाय टू पे सिनेरियो कैसा हो रहा होगा? पाई बाय टू पे सिनेरियो इज समथिंग लाइक दिस। जैसे जैसे मैं जैसे जैसे मैं पाई बाय टू की तरफ मूव कर रहा हूं, ये ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जाएगा। एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो, ये अगेन मेरा समझ में आ रहा है मैं क्या लिखा हूं? ये दिस इज पाई बाय टू, क्यों? बिकॉज पाई बाय टू पे वन अपॉन कॉस पाई टू जीरो हो गया ना, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ग्राफ। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया मेरा, अभी मेरा ये हो गया माइनस पाई बाय टू। ठीक है, अभी सुनना ध्यान से, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसका पीरियड मैं टू पाई लिखाऊ, अभी तो मैं पाई इंटरवल बनाया ना। अच्छा अब कुछ एक और पॉइंट और लोकेट कर लेते। तो अब मैंने बोला कॉस एक्स माइनस वन कब होता है? सॉरी ये जीरो हो गया ना, पाई पे कॉस पाई, मैंने बोला कॉस पाई कितना होता है? माइनस वन, तो वन अपॉन माइनस वन इज माइनस वन। तो पाई पे, लेट्स से दिस इज माय पाई, इस पे वैल्यू इज माइनस वन, इस पे वैल्यू इज माइनस वन। तो अब क्या होगा मेरा ग्राफ? ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब ये मेरा कंप्लीट ग्राफ बन गया। अब यही रिपीट करेगा, अब रिपीट करेगा तो कैसे लिखेगा? देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार शांति से बैठ के आराम से एक बार तुम लोग ड्रॉ करना। ये मैंने बोला इतना जो ग्राफ बनाया ना अभी, दिस इज कंप्लीट वन साइकिल। अब रिपीट कर रहा है तो क्या होगा? बेसिकली जब मैं इसको इसके आगे शिफ्ट करूंगा तो ये जो गोल पार्ट आया ये इधर आ जाएगा, और सिमिलरली ये वाला पार्ट क्या आएगा इसके बाद? एंड सो ऑन लाइक दिस में। ठीक है, उधर तो बॉडी नहीं है वहां तक। ठीक है, सिमिलरली इफ आई इधर की तरफ देखूंगा तो जब मैं इसको इधर उठा के रखूंगा तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा ऐसे, और ये वाला पार्ट क्या आएगा? ऐसे आएगा इधर। सो कैन यू विजुलाइज? अच्छा एक और चीज है याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, भी ऐसे भी याद रख सकते हो। अब मैंने बोला इसी के ऊपर तुम साइन एक्स का ग्राफ बना, तो सॉरी कॉस एक्स का, सेक एक्स और कॉस एक्स रेसिप्रोकल होते हैं तो तुम्हें और ज्यादा अच्छे से फील आ जाएगी। कैसे? देखो ये था, ये एक बेस्ट तरीका है समझने का। देखो मैं कॉस एक्स का बना रहा हूं, ये होता था ग्राफ कॉस एक्स का। देखो क्या किया मैंने, कर्व को ऐसा था कॉस एक्स, उसको उल्टा करके लिख दिया कप की तरह ऊपर कप, फिर ये मेरा कॉस एक्स था, फिर इसको उल्टा नीचे कप की तरफ कर दिया। तो बस बेसिकली क्या करा, जो कॉस वाला कर्व है उसको उल्टा कर दिया। सिमिलरली यू विल गेट फॉर कॉस सेक एंड साइन ऑल्सो, क्लियर है? और यहां पे भी मेन मेन पॉइंट्स मार्क कर सकते हो। जैसे मैंने बोला व्हाट इज दिस, चलो ये तो पाई लिखी दिया, मैंने कहा ये वाली वैल्यू क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन खुद से पूछ सकते हो। ठीक है ना, बाकी अगेन रिमाइंडिंग यू अगेन दिस मच इज नॉट नीडेड। एंड मत बोलना कि सर फिर पढ़ाया क्यों जा रहा है, कुछ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, जो बच्चे कुछ ज्यादा ही एनालिसिस करते हैं, और ऑफ कोर्स करना भी चाहिए अगर एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू हैव टू एनालाइज इट वेरी डीपली, ठीक है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। तो ये हो गया हमारा रेंज हो गया। अब सिमिलरली यू कैन डू फॉर cosec x, वो मैं तुमको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना, दैट इज योर होमवर्क, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कौन कौन मुझे रिप्लाई देता है। And don't take help from any of the textbook, any of the book. ठीक है ना, no internet, nothing. Draw on your own. गलत होगा तो अच्छा लगेगा बल्कि मुझे, सही करोगे तो मुझे शक भी होगा कि इसने कहीं से कॉपी किया है। तो your task is तुम बनाओगे y is equal to cosec x का ग्राफ। Your task is to draw the graph of y is equal to cosec x. थोड़ा सा बता देता हूँ हल्का सा, इसको पहले वन अपॉन साइन एक्स लिख लेना, ठीक है ना, बस इतना बता रहा हूं मैं, उसके बाद तुम लोग एनालाइज करना इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, पीरियड क्या होगा, क्लियर है? चलो तो अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था एट लास्ट ऑफ लेक्चर आई विल ड्रॉ अ टेबल दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस एंड देयर पीरियड्स एंड डोमेन रेंजेस, तो वो बना लेता हूं फाइनली, उसके बाद एंड अप करेंगे हम, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, छह के छह फंक्शंस के एक टेबल पे बना रहा हूं, और वो टेबल इंपॉर्टेंट, वो तुम्हें याद रखना है, भले तुम ग्राफ ड्रॉ करना फ्री भूल जाओ कोई चलेगा,
क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, वैसे तुम्हें धीरे धीरे फील आएगी ग्राफ के बारे में और ज्यादा एक्यूरेटली, ठीक है। तो अब देखो, मैंने बोला इधर लिखता हूं चलो सीरियल नंबर, इधर मेरा फंक्शन, इधर मेरा डोमेन, इधर मेरा रेंज और इधर मेरा पीरियड। वैसे तो तुम ही लोग भर सकते हो, हमने सारे तो लिखे लिए, ठीक है ना। तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भरो तो पता चलेगा किसको कितना याद है। तो सीरियल नंबर वन पहला साइन एक्स, सीरियल नंबर टू कॉस एक्स, सीरियल नंबर थ्री टेन एक्स, सीरियल नंबर फोर कॉट एक्स, सीरियल नंबर फाइव सेक एक्स और सीरियल नंबर सिक्स कोसेक एक्स। तो ये छह ग्राफ, इनके डोमेन, तो साइन का डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स, कॉस का भी वही था, टेन एक्स का डोमेन क्या था, टेन एक्स कब अनडिफाइंड होता है, जब कॉस एक्स जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। तो इसका डोमेन क्या था, आर माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। कॉट एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, जब इसके डिनोमीटर में क्या आ रहा है, साइन एक्स वो जीरो जब होता है, जीरो कब होता है, एन पाई पे, तो आर माइनस एन पाई। लास्टली सेक एक्स, इसके डिनोमीटर में क्या है, कॉस एक्स, तो अगेन जैसा टेन एक्स का रेंज वैसे इसका रेंज, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ठीक है। कोसेक एक्स का जैसे मैंने तुम्हें बोला तुम भरोगे, ठीक है ना, तुम लोग जो होमवर्क दिया उसके हिसाब से। फिर आते रेंज पे, तो साइन एक्स का रेंज क्या बताया मैंने, माइनस वन से वन, कॉस एक्स का भी रेंज माइनस वन से वन, टेन एक्स का रेंज क्या बताया, ऑल रियल नंबर्स, सिमिलरली कॉट एक्स का रेंज ऑल रियल नंबर्स। हाँ, सेक एक्स का रेंज ये याद रखना, ड्राइव भी कहता भाई माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज, यूनियन वन क्लोज से इन्फिनिटी, क्लियर है। अच्छा, ये तो मैं भरना ही है। और लास्टली पीरियड, तो पीरियड हमारा साइन एक्स का क्या आया था, टू पाई, कॉस एक्स का टू पाई, टेन एक्स का पाई, कॉट एक्स का पाई और इसका अगेन टू पाई। जो पीरियड साइन एक्स का होगा, सॉरी, जो पीरियड कॉस एक्स का होगा उसी का रेसिप्रोकल का वही भी होगा। जैसे ये रिपीट कर रहा है तो ऑफकोर्स इसका रेसिप्रोकल भी रिपीट करेगा, उसमें तो कोई ज्यादा दो राय है ही नहीं। तो अब तुम्हारा काम क्या हो गया, इस टेबल, इस वाले कॉलम को भरना, ये वाले कॉलम को, ठीक है, क्लियर है। चलो तो फिर हम एंड अप करते हैं आज का लेक्चर यहाँ, और अगर कोई भी दिक्कत आती है ना पूछो बिंदास, और आज का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग पूछो, मैं कुछ चाह रहा हूँ कि पूछो, ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कि सर कैसे, मतलब कोई भी ग्राफ में तुम्हें डाउट हो कि सर डोमेन कैसे आया, इसका रेंज कैसे आई, एक्स वाई जेड क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो अबाउट ग्राफ, फील फ्री टू आस्क, और पूछना ही है, ठीक है ना, कोई भी छोटा सा छोटा डाउट हो, ठीक है। फिर चलो, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।